पांच राज्यों में चुनाव का ऐलान हो चुका है। कुल 7 चरणों में होने वाले इन राज्यों में चुनाव को लेकर खास तैयारियां चल रही हैं। कोरोना का खतरा ज्यादा है, ऐसे में रैलियों पर भी 15 जनवरी तक रोक लगा दी गई है। लेकिन इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक पहलू से खासा खुश है। वो पहलू है 14 फरवरी। वैसे तो इस दिन को पूरी दुनिया वैलेंटाइन डे के रूप में मनाती है, लेकिन केजरीवाल की जिंदगी में इसका अलग महत्व है। इसी दिन को उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली थी। चुनाव में उन्होंने 70 में से 67 सीटें अपने नाम की थी और अब पंजाब और गोवा में 14 फरवरी को चुनाव होने जा रहे हैं। उत्तराखंड में भी इसी तारीख को मतदान किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी मालिना ने भी कहा है कि इस दिन से पार्टी का खासा कनेक्शन है। और पार्टी के ही नेता राघव चड्ढा ने कहा कि वैलेंटाइन डे पर पंजाब की जनता केजरीवाल को आई लव यू बोलेगी।